हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 2,936 रुपया 50 पैसा nsindia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर शो हो रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें अभी भी बाई क्वांटिटी ऑर्डर लगा हुआ है 1,376 क्वांटिटी का। कितने रुपए पर? तो 2,931 रुपये 50 पैसे पे। और बोर्ड मीटिंग में देखते हैं कि अपडेट न्यूज है 22 अप्रैल 2024, आज 16 अप्रैल 2024 है। बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन संबंधित न्यूज है जिसको कि आगे कवर करेंगे। जैसा कि आपको शॉर्ट में रिजल्ट दिख रहा होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 टोटल इनकम हुआ था 1,33,548 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 9,924 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS 14 रुपया 67 पैसा। उससे पहले सितंबर 2023 के क्वार्टर का रिजल्ट भी इससे बेहतर था, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर 16 रुपया 56 पैसा था। एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है 31 दिसंबर 2023 प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास में 50.30% है, पब्लिक के पास में 49.70% है। बल्क डील जैसा कि कुछ भी शो नहीं हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसा कि bseindia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर 2,934 रुपया 45 पैसा शेयर प्राइस है। 52 वीक का हाई लो, हाई है 3,024 रुपया 80 पैसा और लो है 2,146 रुपया 90 पैसा। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। ताकि आज डेट है 16/4/2024, तो इसमें 3 अपडेट न्यूज है। एक नंबर है कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3) डिटेल ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। दूसरा भी सेम ऐसा ही न्यूज है, कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3) डिटेल ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। और थर्ड नंबर का जो न्यूज है, जो कि सबसे ऊपर में है, कंप्लायंस विथ रेगुलेशन 7(3) ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 फॉर द ईयर इंडेड March 31, 2024। तो इस न्यूज को अभी तुरंत ही कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले थोड़ा सा हम डिलीवरी पोजीशन पे ध्यान देंगे। 16 अप्रैल 2024 16:00 बजे का अपडेट है। क्वांटिटी ट्रेड 1,57,052, डिलीवरी क्वांटिटी 87,675, परसेंटेज रहा 55.83%। काफ़ी अच्छा इसमें डिलीवरी पोजीशन है आज के डेट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके व्यवसायों में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, खुदरा, मनोरंजन, दूरसंचार, मास मीडिया और कपड़ा शामिल है। बाजार पूंजीकरण और राजस्व के हिसाब से रिलायंस भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है और दुनिया भर में 100वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी करदाता है और सबसे बड़ा निर्यातक है, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 7% हिस्सा है। 100 में से
7%। कंपनी के पास अपेक्षाकृत कम मुक्त नकदी प्रवाह और उच्च कॉरपोरेट ऋण है। कंपनी के राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाईचारा, धोखाधड़ी, वित्तीय हेरफेर और अपने ग्राहकों, भारतीय नागरिकों और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की रिपोर्ट के कारण विवाद को आकर्षित किया है। इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी को एक धन कुबेर बताया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पूर्व में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, 1958 से 1966 तक इसका नाम था। रिलायंस टेक्सटाइल एंड इंजीनियर्स, 1966 से 1973 तक, और उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1973 से वर्तमान तक इसका नाम है। तो इस तरीके से नाम में परिवर्तन हुआ। कंपनी प्रकार जनता यानी कि पब्लिक के रूप में व्यापार किया गया। BSE, NSE और LSE, RIGD, BSE सेंसेक्स घटक, NSE निफ्टी 50 घटक, उद्योग संगुटिका स्थापित 1958 में, 66 वर्ष पूर्व का है ये कंपनी। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, यानी कि ऐसा समझिए कि अंबानी रिलायंस के स्थापना करने वाले। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत में ही है। सेवाकृत क्षेत्र दुनिया भर में, यानी कि दुनिया भर में इसका सेवा प्रदान होता है, यानी कि सर्विस दिया जाता है। प्रमुख लोग मुकेश अंबानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है इस कंपनी के, और उत्पादन वो तो पढ़ ही चुके हैं। आय 974,864 करोड़, $120 बिलियन का है। परिचालन आय, शुद्ध आय, कुल संपत्ति, कुल इक्विटी 8,21,153 करोड़। इसका मालिक है मुकेश अंबानी, जिनके पास में 50.39% शेयर है इसका। और कर्मचारियों की संख्या 3,89,414 2023 के अनुसार है। इसके सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल, जियो VP, नेटवर्क 18 ग्रुप, डेन नेटवर्क, हैथवे, आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस फाउंडेशन, इंडिया विंस सपोर्ट्स, अवशेष, रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा निगम, रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सुरक्षा। वेबसाइट का नाम www.ril.com, इस कंपनी का वेबसाइट का नाम है। इस पर आपको फुल डिटेल मिलेगी। जैसा कि इस कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी, जिनका कि फोटो सामने दिख रहा होगा, सम्मान में 2002 में डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। अब आपको लेकर के चलते हैं screener.in वेबसाइट का नाम है। इस पे थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज को अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसका मार्केट कैप 19,81,164 करोड़ का है। करेंट प्राइस 2,932, बुक वैल्यू 1,110 का है। 52 वीक का हाई लो 3,025 और 2,134। डिविडेंड यील्ड 0.3531%। डिविडेंड यील्ड 0.31%, ROC 9.14% और ROE 8.94%। फेस वैल्यू ₹10 का है। रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखते हैं तो 35% का है, और 5 ईयर का देखते हैं तो 18.4% है, और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का 17.5%, रिटर्न ओवर 6th मंथ का 27.1%। इंटरप्राइजेज वैल्यू
22,29,034 करोड़ का, पीजी रेशियो 2.17, काफ़ी अच्छा है पीजी रेशियो इस शेयर का मेरे हिसाब से। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही करो दोस्तों। वन ईयर का प्राइस चार्ट जैसा कि ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कंसोलिडेट करेगा, लेकिन सामने बोर्ड मीटिंग है कुछ ही दिनों में, तो मेरे उम्मीद के अनुसार इस शेयर में अप ट्रेंड तुरंत ही बनने वाली है अगले एक दो ट्रेडिंग डे में, और काफ़ी अच्छा बनेगी। मैं अगर अपना आइडिया लगाऊं तो ये 3100 को पार कर जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल नॉलेज पर्पस, यानी कि जानकारी के लिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस कंपनी में प्रोज यानी कि गुण तो कुछ दिख नहीं रहा है screener.in वेबसाइट पे, लेकिन कौनस दो दिखा रहा है, क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.64 टाइम इट्स बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू से 2.64 टाइम ऊपर में ट्रेड कर रही है। और दूसरा है कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.23 ओवर लास्ट थ्री इयर्स में 8.23% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का रहा। पीयर कंपैरिजन, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है, एक नंबर का कंपनी है। इस कंपनी का एक नज़र क्वार्टरली रिजल्ट पे देते हैं, जैसा कि दिसंबर 2023 का है। सेल्स 2,25,086 करोड़ का, एक्सपेंस 1,84,430 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40,656 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है जो कि पिछले चार क्वार्टर में सेम ही है, और अदर इनकम 4,022 करोड़ का जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा बढ़ करके आया, और इंटरेस्ट है 5,789 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 12,903 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,986 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 26,551 करोड़ का था, यानी कि थोड़ा सा कम आया इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स पेड किया 24% का, नेट प्रॉफिट 19,641 करोड़ का, पिछले क्वार्टर के अपेक्षा थोड़ा सा डाउन में नेट प्रॉफिट है, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर भी ₹25.52। शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स है 8,77,365 करोड़ का, एक्सपेंस है यानी कि खर्चा 7,19,292 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,58,073 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, अदर इनकम 14,806 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 48,715 करोड़ का, इंटरेस्ट भी पेड किया है 23,176 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,09,088 करोड़, नेट प्रॉफिट 79,104 करोड़ का, जिसके वजह से EPS रहा लास्ट 12 मंथ का ₹103.43। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूं ओनली वन नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब थोड़ा सा इस शेयर के बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे जो कि सितंबर 2023 का ही अपडेट है। इक्विटी कैपिटल 6,766 करोड़ का, रिजर्व इसके पास में 7,44,456 करोड़ का है, ब्रोइंग 3,16,697 करोड़ का है, अदर लाइबिलिटीज 6,14,296 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटीज
16,82,215 करोड़ का है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसका इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं तो 2,15,456 करोड़ का है। अदर एसेट भी है इसके पास में 3,81,153 करोड़ का। टोटल एसेट में बढ़ोतरी हुई है जो कि 16,05,882 करोड़ से बढ़ करके अब 16,82,215 करोड़ का हो चुका है इस कंपनी का टोटल एसेट। नेट कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव में है, यानी कि प्लस में है। मार्च 2023 में नेट कैश फ्लो 32,486 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले मार्च 2022 का तो 18,781 करोड़ का था, जो कि लगभग दोगुना से थोड़ा सा कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दिसंबर 2023 के अनुसार प्रमोटर के पास में 50.30% है, FIH के पास में 22.13% है, DIH के पास में 16.59% है। DIH अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है सितंबर 2023 के अपेक्षा। गवर्नमेंट के पास में 0.18% है, पब्लिक के पास में 10.80% है, जो कि पब्लिक के पास में थोड़ा सा शेयर परसेंटेज घटा है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो कि 36,13,814 हो चुका है, इससे पहले इससे ज़्यादा था, यानी कि शेयर के प्रति थोड़ा सा रुझान कम हुआ है पब्लिक का, यानी कि इन्वेस्टरों का। जैसा कि एक नंबर न्यूज 16 अप्रैल 2024 का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इश्यूएंस ऑफ लेटर्स एस ऑफ कंफर्मेशन इन लीव ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इस लॉस्ट। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ करके थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। परसुअंट टू रेगुलेशन 39(3) ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 एंड इन टर्म ऑफ सेबी सर्कुलर नंबर सेबी इतना एट डेटेड जनवरी 25, 2022 वी इंक्लूड द डिटेल ऑफ लेटर इस ऑफ कन्फर्मेशन इशूड बाई द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स इन लीव ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इस रिपोर्टेड एज लॉस्ट बाई देम प्लीज टैग द सेम ऑन रिकॉर्ड। यानी कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए इस कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है सेबी को, एक्सचेंज को। जैसा कि आपको सेकेंड पेज पर दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनेक्चर टू आवर लेटर डेटेड अप्रैल 16, 2024 डिटेल ऑफ लेटर एस कॉन्फर्मेशन इश्यूड ऑन अप्रैल 15, 2024 इन लिए ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एस लॉस्ट। इन लोगों का यहाँ पर डिटेल दिया गया है जो कि सीरियल नंबर 12345 ETC, फोलियो नंबर भी दिया हुआ है, नेम भी दिया हुआ है इस तरीके का, कितना शेयर है वो क्वांटिटी दिया हुआ है, होल्ड सर्टिफिकेट नंबर भी है यहाँ पर, लेटर कॉन्फर्मेशन नंबर भी मिल चुका है और डिस्टिंक्टिव नंबर्स फ्रॉम टू कब से कब तक का है। सो इसमें डिटेल में दिया गया है, आप इसको थोड़ा डीपली पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिएगा। बाकी आगे भी वही है सीरियल नंबर में। ये टोटली पेजों का
अपलोडेड है। टोटल नंबर ऑफ शेयर 11421 का है और कितना इन्वेस्टर का है तो 95। ये है 4 घंटा पहले का न्यूज, इससे पहले था जो कि वह 5 घंटा पहले का न्यूज है, screener.in पर शो हो रहा है। इसमें जैसा कि सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट यानी कि शेयर सर्टिफिकेट जो लॉस हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन है। जो कि सीरियल नंबर, फोलियो नंबर, नेम, ज्वाइंट नेम दो दो है और नंबर ऑफ शेयर 5, 50, 30 इस तरीके से है। सर्टिफिकेट नंबर भी है और कब से कब तक, डिस्टिंक्टिव नंबर भी है। ये भी काफ़ी लंबा है तो इसको भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जिनका कि सर्टिफिकेट लॉस हुआ है 193 यहाँ पर शो हो रहा है और कितना नंबर ऑफ शेयर है तो 8461। ये न्यूज कुछ ही देर पहले का है, काफ़ी अच्छा न्यूज है। अप्रैल 16, 2024 जैसा कि वेबसाइट का नाम है bseindia.com उस पर से है लिया गया। सब्जेक्ट कंप्लायंस विथ रेगुलेशन 73 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2024। We enclosed here with the compliance certificate duly signed by the compliance officer of the company and authorized representative of KFin Technologies Limited। तो compliance certificate से संबंधित है ये न्यूज और कौन सी कंपनी के द्वारा, तो KFin Technologies Limited के द्वारा। इसमें डिटेल दिया हुआ है, इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई कंपनी से संबंधित शेयर ट्रांसफ़र सुविधा के संबंध में सभी गतिविधियां कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट KFin Technologies लिमिटेड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अनुमोदित श्रेणी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट पंजीकरण संख्या इतना के माध्यम से सेबी के साथ पंजीकृत है। तो इस तरीके का न्यूज है। अब हम इस तीनों न्यूज को कवर कर चुके हैं तो मेरे आइडिया अनुसार अब सारांश में मैं यही जानकारी दे सकता हूं कि इस शेयर में अगले 1-2 ट्रेडिंग डे में अच्छी खासी अप ट्रेंड बनने वाली है। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस ओनली वन। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और शेयर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।